सारे लोग कैमरा में आ रहे हैं। हाँ अभी तो उधर ही रहे। गोर ऐसी लग भाई। ठीक है सब रेडी हो? स्टार्ट करो। अच्छा से है ना अपना इंट्रो। तुमको क्या बोलना है? झबरूलाल। झबरूलाल तू झबरूलाल है। तू है पुष्पा। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। इस तरह से एक्टिंग करना ठीक। और तू अपना नाम? आई एम वन एंड ओनली शिवम कुमार। शिवम कुमार। और हम तो हैं, हम तो हम हैं यार। क्या तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आप सभी को मेरे इस रियल ब्लॉग 2.0 मिलियन में बहुत बहुत स्वागत है। हाय सारे लोग, हाय कर दो। हाय। तो आप सभी को मेरे इस रियल ब्लॉग 2.0 मिलियन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है, और फर्स्ट ब्लॉग होने के नाते थोड़ा सा आप सबको अपने बारे में, इन लोग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाम सचिन है, सचिन कुमार है। आप सब, मुझे पता है कि आप सब मेरे बारे में और इन लोग के बारे में जानना नहीं चाहते हो, कौन है क्या है, आप सबको क्या लेना देना। बट भाई कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आप सब, हम सारे लोग को पहचान जाओगे, कोई बात नहीं। तो मेरा नाम सचिन है, हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। हम नहीं, सारे लोग छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। ये है एक, अपना नाम बता दे तू अपने बारे में। झबरूला। झबरूलाल है, इसका नाम झबरूलाल है। कैमरा सीधा पकड़, ऐसे ही रख ऊपर सीधा। ये है झबरूलाल, तू अपना नाम बता दे। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। जैसे कि आप सबको पता है भाई, ये है पुष्पराज। अच्छा से बोल रहे, झुकेगा नहीं साला। ऐसे बोला था गाड़ी में हाथ लगाने को, क्यों नहीं लगाया? तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, कैमरा तो सीधा पकड़। तो जैसे कि आप सबको पता है, ये है पुष्पराज का बहुत बड़ा फैन। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं इससे अपना नाम पूछा तो बोल रहा है कि मैं पुष्पराज हूँ, मैं झुकूंगा नहीं साला, ऐसे बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ा देर बाद झुकाएंगे, साले को झुकाएंगे। झुकेगा नहीं तू, रुक अभी तुमको झुकाते, थोड़ा सा वीडियो बनाने दे। तो तुम अपने बारे में तू भी कुछ बताते कि तुम। मेरा नाम शिवम है, मैं इनका भाई हूँ, सचिन भाई का भाई, मेरा भाई है। और मैं समर वेकेशन में आया हुआ था यहाँ पे गाँव में। ये पंजाब में रहता है, अभी घर पे आया है यहाँ गाँव में, क्योंकि हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो गांव में आना ही पड़ता है। अभी रहता है वहीं पंजाब में, रहता है वहीं, पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई उसका वहीं पे चलता है। तो अभी आया है घर पे कुछ दिन के लिए, फिर जाएगा फिर वहाँ। ये तो बड़ा आदमी बनेगा भाई, हम तो गंवार आदमी, घर गांव में रहने वाले। हाँ दादी आ रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता कि हम लोग गाँव से रहने वाले, सारे लोग हम लोग गंवार है भाई, हम लोगों को कुछ आता होता है नहीं। तो भाई अगर हो सके तो आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करना यार, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना, हम लोग को सपोर्ट करना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा गांव से होके भी कुछ अपना परिचय बना ले आप सबके बीच, कुछ मतलब थोड़ा सा अपना वैल्यू बढ़ा ले हाई लेवल तक। हाई लेवल तो उतना हाई लेवल तक नहीं, बट थोड़ा बहुत तो कोई मुझे पहचाने यार, ऐसा कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करना। आप सबको पता है कि, आप सबको तो पता ही है कि मतलब कोई किसी, कोई इंसान किसी के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ नहीं सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट तो आप सबको करना चाहिए मेरे भाई। अपना सपोर्ट गाइस जारी रखना, जारी रखना। वीडियो को लाइक करना, लाइक कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब क्या होता है तुमको? पिछली वीडियो नहीं, सॉरी सॉरी, तुमको बता रहे सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब ये क्या होता है? सब्सक्राइब बोलो। देख सकते हो भाई साहब, पुष्पराज, पुष्पा का बहुत बड़ा फैन। प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। जैसे कि आप सब, हम लोग गांव से हैं, इसको अभी तक सब्सक्राइब बोलने नहीं आ रहा है। वैसे मुझे भी नहीं आता था, बट किसी तरह से मैंने ये बोले इधर उधर सीख लिया। मेरे भाई साहब, ओ भाई साहब मेरा, जैसे कि आप सबको पता है मेरा दिल बाहर आ गया था यार। मेरा फोन अभी नीचे गिर गया था, इसके हाथ से मतलब छूट के नीचे गिर गया। मुझे तो लगा कि मेरा फोन मतलब टूट गया, बट थोड़ा सा नुकसान हुआ, ज्यादा नहीं। वो पिछली आगे की वीडियो में आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि अभी एक ही फोन है तो आपको कैसे दिखाएं इसके बारे में। आप सबको पता है जैसे कि ये पुष्पराज है, इसको अभी तक बोलता है कि मैं पुष्पराज का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसको सब्सक्राइब नहीं बोलने आता। वैसे मुझे भी नहीं आता है, जैसे कि आप सब देख सकते हो, वैसे मुझे भी नहीं आता है, बट क्या करूँ, मैं धीरे धीरे मतलब बोलना सीख गया सब्सक्राइब। तू भी बोलना सीख जाएगा मेरे साथ रहा कर यार, वैल्यू बढ़ेगी तेरी, मेरे साथ रहेगा वैल्यू बढ़ेगी। क्या समझता है? गांव में मैं गांव से होकर देख रहे हो, मैं गांव में होकर भी इतना आगे बढ़ गया, इसीलिए बोलता हूँ भाई। पढ़ाई लिखाई छोड़, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है यार, मेरे साथ रहा कर बहुत आगे तक ले जाऊंगा तुझे। तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। पुष्पराज, रे रे रे, सब बताइए दो तो ना, कब काचे हो भाई साहब? आप सब तो देख सकते हो, पुष्पराज शर्मिंदा हो रहे, मतलब शर्म से पूरे लाल लाल हो चुके हैं, देख सकते हो आप सब। इनका मतलब इनका कट रहा है, क्या बोले हम इनको, मतलब देख सकते हो आप कितना शर्म से लाल हो रहे। इधर 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 से
सीधा कैमरा पकड़ के दिखा, देख सकते हो भाई साहब यही थे पुष्पाराज जो बोल रहे थे कि झुकेंगे नहीं साला, तो इनको हम लोग काफी मेहनत करके इसको तो झुका दिए हम लोग, वो तो ये शर्मा गया, बोल रहा है कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो में नहीं आऊंगा, ऐसा बोल रहा है। कोई बात नहीं, देख सकते हो आप शर्मा रहा है बेचारा, शर्म से लाल लाल हो चुका है, बोल रहा है कि लाल हो गया, गलती सॉरी भाई, करीबा करीबा लाल नहीं साला काला हो गया, 24 घंटे बाद ये ठीक हो जाएगा अपने आप, कल तो भाई साहब आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो अभी आप सबको दिखाएंगे अपना, कमेंट में हैशटैग देसी ब्लॉग लिख देना गाइस, तो आप सबको अब आगे की वीडियो दिखाते हैं, अभी अपने छत पे, वैसे तो छत पे ही, छत से सारे नज़ारा आप सबको दिखाते हैं घर का, इधर देख सकते हो इधर सारे मतलब सारा मतलब सूखा सूखा पड़ा हुआ है मेरे भाई, अभी जैसे कि आप सबको पता है गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में सारा सूखा सूखा, क्योंकि पानी तो होता नहीं है, तो धूप के कारण सारा चीज़ सूख जाता है, आप सब देख सकते हो इधर, अब सारे लोग फ्री फायर में लग गए, ये लोग फ्री फायर के पूरे दीवाने हैं, खेल लो फ्री फायर, तो चलिए अब दिखाते हैं, ये मेरा छत रहा, चारों तरफ से आप देख सकते हो, अभी उधर लोग फ्री फायर खेल रहे हैं सारे लोग बैठकर, ये मेरा गांव का व्यू है, ये मेरा एक छोटा सा आम का पेड़ है और इधर अमरूद का पेड़ है, देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा है, इस बार मतलब इसमें आम नहीं फला है, इससे पहले अगले पिछले साल मतलब बहुत सारा आम फला हुआ था, फला हुआ था, बट इस वक्त इस टाइम मतलब नहीं फला, दो तीन मतलब आए थे आम, वो भी ख़त्म हो गए, जैसे कि आप सब देख सकते हो उधर घर है सब, मतलब जंगली टाइप का है मेरा गांव, क्योंकि भाई क्या ही बोलूं, आप सब देख सकते हो इधर ये मेरा छत है, और इधर से आप सब, इधर से भी आप सब देख सकते हो थोड़ा सा गाँव का नज़ारा, शाम का वक्त है इस वक्त, इसलिए वीडियो थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही है, इधर अभी पूरा सूखा सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई साहब, देख सकते हो इधर हम लोग खेती करते हैं, ये रहा पपीता का पेड़, देख सकते हो आप सब कितना पपीता इसमें लगा हुआ है, आप सब देख लो, और इधर अभी मतलब इधर हम लोग प्याज की और लहसुन का खेती किए थे, तो हम लोग सारा इसको मतलब कोड़ कर मतलब घर में ले आए, तो अभी इधर पूरा खाली खाली है, उसमें चने की खेती किए थे हम लोग, अभी काफ़ी मतलब सूखा सूखा आप सबको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि है भाई गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम में तो सारा चीज़ सूखा सूखा ही देखने को आप सबको मिलेगा, इधर देख सकते एक और है अमरूद का पेड़, इसमें बहुत ज़्यादा अमरूद फटता है, तो मतलब हम लोग इसमें से भी खाते हैं, ये मेरे एक मतलब गाँव का ही भैया का है, और इधर देख सकते हो भाई यही मेरा छत है, यही मेरा घर है, यही मेरा गांव है, तो आप सभी को आगे और वीडियो में अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, आज की वीडियो में बस यही थोड़ा सा हम लोग सोचे कि फर्स्ट ब्लॉग होने के नाते थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहे थे, तो आप सबको तो आज के वीडियो बस इतना ही था, तो आप सबको मैं बताना चाहता था कि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप सबको इससे भी अच्छा अच्छा फनी ब्लॉग और देसी ब्लॉग देखने को मिलेगा, डीजे ब्लॉग ये सबसे रिलेटिव आप सबको वीडियो देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरा हर अपडेट आप सबको सबसे पहले मिल सके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अरे गाइस अभी लास्ट में ये रह चुका है ये हमारा नटवर लाल, नटवर लाल झबरू मियां।